अब आपको बताते हैं नागौर में लोकसभा चुनाव 2019 के तहत हुए एक और नामांकन के बाद रोचक मुकाबले की जानकारी के अनुसार नामांकन के आखिरी दिन जहां एनडीए प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने नामांकन दाखिल किया, वहीं इस सीट पर राष्ट्रीय पावर पार्टी यानी आरपीपी ने भी उम्मीदवार उतारा है जिसका नाम भी हनुमान बेनीवाल है। एनडीए उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल को चुनाव चिन्ह जहां टायर आवंटित किया गया है, वहीं आरपीपी के उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह बोतल मिला है। बोतल के चुनाव चिन्ह पर एनडीए उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और जीतकर विधायक भी बने हैं, जिसके बाद एनडीए उम्मीदवार बेनीवाल ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ रची गई साजिश करार दिया है। जो लोकसभा में एक स्थान को भरने के लिए मेरी फोटो देखेंगे, मेरी जैसी फोटो कहाँ से लाएंगे वो, क्या पता नाम तो ले आए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी चाहता था कोई ज्योति मिर्जा पकड़ के ले आता दूसरे और भरा देता, मेरे काम ये उच्च हथकंडे मैं नहीं अपना था, मैं अलग टाइप का लीडर हूँ। हाँ रची गई ना, मेरा चिन्ह बोतल था, वो गुजरात की पार्टी बोतल ले गई और अब मेरे नाम के आदमी को बोतल का चिन्ह दे दिया और वहाँ पे वो कप प्लेट मांग रही, तो सारा सारी एक तरीके से डेंटर है। इनसे तो हम जूझ रहे हैं 20 साल से, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कई लोग हो सकते हैं, समय आने पे सबका खुलासा करेंगे, मुझे एक एक चीज़ का पता है, लेकिन अभी उचित समय नहीं है। इनसे फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला। लोगों ने तो मेरे भाई साहब की बेटी को मेरे सामने लड़ा दिया था विधानसभा में, लिया ना वोट 500-400 आ गए थे उसके वोट, तो जब उसके ही 500-400 आए थे, सोच लो कौन हनुमान बेनीवाल कौन से वाला है, क्या कहाँ जाएगा, कहाँ है इसकी, कौन है, ऐसे यूँ थोड़े होगा बोतल आने से। आपका शुभ नाम क्या है और आप कौन सी पार्टी से नागौर से आपने नामांकन दाखिल किया है? सर हम बोतल वाली पार्टी से नामांकन किया है, मेरा नाम है हनुमान बेनीवाल। पार्टी नाम क्या है? राष्ट्रीय पावर पार्टी। और आप रहने वाला कौन सी जगह के हो? मेरा गांव है चामू, तहसील शेरगढ़ और जोधपुर जिला। तो आपने पार्टी कब ज्वाइन की? सर ये किए आपने 10 दिन हुए। अच्छा आपने जो नागौर से नामांकन दाखिल किया है शेरगढ़ के होने के बावजूद, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव के मैदान में उतरे हो? सर पार्टी वाले हमारे घर पे आके बोला कि आप बोतल चुनाव से चिन्ह लड़े, चुनाव लड़ो, इसलिए लड़ रहे हो चुनाव। हाँ सर। अच्छा आप अगर सांसद बने और जनता के बीच में अगर आप वोट मांगने जाओगे तो किन मुद्दों को लेकर जाओगे? सर हम जाएंगे, किसी को दुख है, कोई का पानी नहीं आ रहा है, सब चीज़ों के व्यस्त।